लेबर क्रेन 250 टन, 94 मीटर हाइट है इसकी और 2 मीटर ज़मीन से ऊंची है ये। जैक वगैरह लगाए हैं, 2 मीटर यहाँ से भी हाइट मिलती है, 96 मीटर इसकी फुल हाइट है। समंदर का थोड़ा खूबसूरत व्यू भी देखें जी दौलतुल कुवैत से। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। ये हम जा रहे हैं जी ऊपर 20वें फ्लोर पे, वहाँ से भी हम आपको व्यू दिखाएंगे जाके। 12.5 टन का ये पीस है एक, और ये नीचे वाला 10 टन का, ऊपर वाले दोनों 12.5 टन के हैं, और ये जो पीस फिट करा रही है ये भी 12.5 टन का है, और जो बाकी है वो भी 12.5 टन का है। टोटल हाइट 97 मीटर हो जाती है। कोशिश करते हैं जी ऊपर से भी जाके आपको थोड़ा व्यू दिखाएं क्रेन का। 20वें फ्लोर के ऊपर हैं जी हम, ये एसी की मशीनें हैं और इसी तरह की एक मशीन जो है वो ऊपर रखनी है, यहाँ से व्यू देखें क्रेन का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और टी रेक्स में और इसमें थोड़ा फर्क है, टी रेक्स के जो बूम है वो नए मॉडल के वो 80 मीटर है यहाँ तक पहुँचे। ये देखें आगे छपरा है, क्रेन उस जाविये में लगती, इस जाविये में तो यहाँ से डाउन होके यहाँ तक आ सकती थी। अभी ट्राई के तौर पर लेके गए हैं जी ऊपर, डाल दिया ये ऑटो ले गया। सही है, खुद निकाल देगी, निकालेगी, एक्सीलेटर भी खुद ही लेगी। एक्सीलेटर हम दे सकते हैं लेकिन मैंने खुद दिया हुआ, ये इसलिए एहतियात कर रहे हैं कि दूसरी क्रेन जो साथ खड़ी है ये वेट जो है उसके साथ ना टकरा जाए। ओके है, चार स्टैंड भी इधर ही खड़ी है, ये इसके काउंटर वेट लगवाने और उतारने में इसकी हेल्प करेगी। इसने उठा लिया है और अभी ये काम करेगी जी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं नाज़रीन आपको कुवैती व्लॉग्स चैनल में। मैं हूं गुमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। लेबर क्रेन 250 टन का व्लॉग आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं जी। काउंटर वेट लगवा रही है 50 टन, इसको काटो और ये दो पीस रह गए काउंटर वेट के लगाने वाले। कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? ये इंडियन लड़का है, एक काठो को ऑपरेट कर रहा है और काउंटर वेट के पीस लगवा रहा है। ये खुद काउंटर वेट नहीं लगा सकती क्योंकि इसने अभी फ्लाई जिप लगाई हुई है, पहले दूसरी साइड पे लगाई थी और अभी इस साइड पे लगाई है। एसी की मशीन उठानी है यहाँ से, 250 टन लेबर क्रेन। ये 20 फ्लोर बिल्डिंग है जिसके ऊपर एसी की मशीन रखनी है। बारह टन का ये पीस है एक, और ये नीचे वाला 10 टन का, ऊपर वाले दोनों 12.5 टन के हैं, और ये जो पीस फिट करा रही है ये भी 12.5 टन का है, और जो बाकी है वो भी 12.5 टन का है। अंदर से भी थोड़ा व्यू देखें जी इसका।
कंप्लीट हो गया जी। और ये इसका इंजन है अगले कैबन का, और पिछले कैबन का इंजन भी स्टार्ट है। अभी ये काउंटर वेट फेड कराएंगे जी क्रेन के पीछे। ये आ गया जी अपनी जगह पे, और इन दोनों साइडों से पिस्टन निकलते हैं नीचे, तो काउंटर वेट को अपने साथ चिपका लेते हैं। अभी देखें ये पिस्टन नीचे निकल रहा है। ओके हो गया, ओके ओके दोनों साइडों से निकल रहा है। ये हम स्विंग करेंगे और ये लॉक इसके अंदर चला जाएगा। अभी काउंटर वेट जो है वो इसके साथ फिक्स हो गया जी। ये बैठ गया बिल्कुल साथ, इसने उठा लिया है और अभी ये काम करेगी जी। जाने दो, ये इसलिए एहतियात कर रहे हैं कि दूसरी क्रेन जो साथ खड़ी है ये वेट जो है उसके साथ ना टकरा जाए। ओके है, ये भाई इसको ऑपरेट करते हैं जी। वो कार नाम है भिम्बर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान। तीस फ्लोर है ये बिल्डिंग, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। सारा व्यू देखें इसका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऑपरेटर बोम निकाल रहा है, इतनी देर में मैं थोड़ा इसके कैबिन के अंदर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये इसके अंदर का व्यू है जी, बहुत खूबसूरत कैबिन है इसका माशाल्लाह। लेबर क्रेन, यहाँ से इसका लेवल होता है, बिल्कुल सेंटर में है, लेवल ओके है। ऑटोमेटिक लेवल भी ये कर लेती है और आदमी खुद भी कर सकता है। 50 टन मीटर ही खड़ी है ये, इसके काउंटर वेट लगवाने और उतारने में इसकी हेल्प करेगी, और इस ट्राले के ऊपर इसका सारा सामान आया है जी। ये जो फुल है वो भाई सुबह निकाले फुल 100 100, इसके टेलीस्कोप है ये जो अंदर आ रहा है, पीस निकाल रही है अभी, तीसरा निकाल, अभी चौथे को पकड़ेगा फिर पांचवें को। सही है, पांच बूम है जी। और टी रेक्स में और इसमें थोड़ा फ़र्क है, टी रेक्स के जो बूम है वो नए मॉडल के वो 80 मीटर हैं, और उसकी फ्लाई जी भी है वो 20 मीटर की है, और 8 8 मीटर के उसके साथ 16 मीटर के और भी पीस लग जाते हैं। दूसरे ब्लॉग में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। 160 टन की क्रेन है, सही है, उसकी टोटल हाइट 97 मीटर हो जाती है। सही है, उसके साथ भी दो पीस है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं बूम निकालना, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। मैंने ऑटो डाल दिया, ये ऑटो ले गया। सही है, ऑटो डाल दिया, खुद निकाल देगी, निकाल लेगी। एक्सीलेटर भी खुद ही लेगी, एक्सीलेटर हम दे सकते हैं लेकिन मैंने खुद दिया हुआ है क्योंकि सही है इसको थोड़ा सा जितना जरूरत होता है उतना दे दे। सही है, ऐसे अगले कैबिन का भी चालू है? नहीं, आगे वाला चलता था लेकिन कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमने अभी दुबई से कोशिश करते हैं जी ऊपर से भी जाके आपको थोड़ा व्यू दिखाएं क्रेन का। ये भी ट्राई के तौर पर लेके गए हैं जी ऊपर, और
बिल्कुल ही दीवार के साथ तक पहुंचिए, सारे पीस निकाल के तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। दौलतुल कुवैत से लेबर क्रेन 250 टन 94 मीटर हाइट है इसकी और 2 मीटर ज़मीन से ऊंची है। ये जैक वगैरह लगाए हैं, 2 मीटर यहाँ से भी हाइट मिलती है। 96 मीटर इसकी फुल हाइट है और फिर बता दूँ कि 72 मीटर इसके बूम्स हैं और 22 मीटर इसकी जो है वो फ्लाईजिप की हाइट है। ये हम जा रहे हैं जी ऊपर 20वें फ्लोर पे, वहाँ से भी हम आपको व्यू दिखाएंगे जाके। सद कैसे हो? ये 50 टन क्रेन जो है कॉन्ट्रोवेट फिट करवा रहा था वो ये आदमी था, आपने देख लेना इसको। और ये सरदार जी है, ये भी साथ में ट्राला का ड्राइवर भी है और वैसे भी बहुत अच्छा आदमी है, साथ हेल्प करवाता है। अभी ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए हाँ क्या बनता है। काम बहुत है साथ, बहुत दूर है। हाँ उतार ही नहीं सकता। ये जी लास्ट वाली छत 20 फ्लोर के ऊपर और ये यहाँ तक पहुँचे। ये आगे नहीं आ रही क्रेन और मुश्किल हो गया जी, मुश्किल हो गया। ये देखें आगे छपरा है, क्रेन उस जाविये में लगती, इस जाविये में तो यहाँ से डाउन होके यहाँ तक आ सकती थी, लेकिन अभी छपरे के साथ लग गई है बिल्कुल। और यहाँ पे ये एसी की मशीन नहीं उतार सकती। साथ में समंदर का थोड़ा खूबसूरत व्यू भी देखें जी दौलतुल कुवैत से। यहाँ पे उतारनी है मशीन तो नहीं लेके आ रही। थोड़ा मैं साइड से होके क्रेन का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये 20वें फ्लोर के ऊपर है जी हम, ये एसी की मशीनें हैं और इसी तरह की एक मशीन जो है वो ऊपर रखनी है, लेकिन क्रेन जो है वो आगे आ गया है, शेड डाउन नहीं हो रही। ये देखिए जी यहाँ से व्यू देखें, माशाल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। क्रेन को देख के खौफ आ रहा है कि अपना बूम लेके इतना लंबा बूम ये क्रेन खड़ी कैसे है। ये हो गई है जी मुश्किल, क्रेन नहीं पहुंच रही वहाँ पे क्योंकि वो सामने आगे जो बालकनी की छत आगे बढ़ी हुई है वो क्रेन को डाउन होने से रोक रही है। और अभी इधर लगाएंगे क्रेन, ये गाड़ी उठा के एक जैक इधर निकालेंगे और एक इधर निकालेंगे, तो फिर ये जो दरमियान वाला खला है इसमें से इसका बूम डाउन होगा तो फिर जो है वो एसी वाली मशीन क्रेन रख सकेगी, वरना इस तरह नहीं। अभी हम नो टाइम हो गया और 3 बजे के बाद ये क्रेन है इसकी जगह चेंज की जाएगी और दोबारा जो है इस बिल्डिंग पे काम करेगी जी, एसी की मशीन रखेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।